गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एचएस बिहार चैनल। आप देख रहे हैं, मैं आज थोड़ा लेट हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही है और मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया है। हम चाहेंगे हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ जाएं, तब तक के लिए कुछ बातें हो जाए। मैंने आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या टॉपिक्स पे आप चाहेंगे, तो सबका जवाब चुनाव था, किसी का जवाब सुशांत था और भी जवाब थे, तो उन सब पर हम ध्यान देंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आप उन विषयों पर हम आवाज़ उठाएं और उन विषयों पर हम वीडियोस लेकर आएं। तो हम रोज़ सुबह बिहार में आज कार्यक्रम करते हैं और इसकी शुरुआत हम फेसबुक लाइव से सुबह सुबह करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज तारीख है 22 सितंबर 2020 और कोरोना काल चल रहा है, ये भी बोला नहीं भूलूंगी, ताकि बाद में अगर कोई फ्यूचर में ये वीडियो देखे तो बोले अच्छा कोरोना काल चल रहा था। चलिए मैं इस कार्यक्रम की अब फॉर्मल से शुरुआत करती हूँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, रिया सिन्हा आपके साथ है और बिहार में आज कार्यक्रम में पहला खबर है, पीएमसीएच सर्जिकल इमरजेंसी का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 3 सदर अस्पतालों का भी शिलान्यास आज वो करेंगे। वहीं आज मीडिया सेंटर में बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री विनोद नारायण झा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। वहीं हम बारिश की बात करें तो कल से बारिश हो रही है, कल सुबह से ही, कभी टिप टिप, कभी बहुत जोर से, तो बारिश जो है वो अगले 48 घंटे बारिश होने के आसार हैं और साथ ही साथ ठंड का कभी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो जो लोग वैसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर ठंड के का गिरने का आसार है, तो प्लीज़ आप सावधान रहें और घर से बाहर कम ही निकलें, पेड़ के नीचे बिल्कुल ना छिपें। मेट्रो प्रोजेक्ट के काम का आज शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहीं सीबीएसई एग्जाम्स की बात करें तो 10th और 12th बोर्ड के कंपार्टमेंटल एग्जाम्स की शुरुआत आज से हो चुकी है और 29 सितंबर तक यह एग्जाम्स चलेंगे। आपको बताएं कि पटना जोन में 108 सेंटर बनाए गए हैं, उसमें 80 बिहार में हैं और बाकी 28 झारखंड में सेंटर्स हैं। बीएड सीईटी परीक्षा की बात करूंगी तो 10 शहरों के 278 केंद्रों पर आज प्रवेश परीक्षा बीएड सीईटी की हो रही है। वहीं आज आईपीएल मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स का आज मैच है, देखते हैं कौन आज बाजी मारते हैं। वही आईजीआईएमएस में राज्य कैंसर संस्थान का आज सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। आज हमारे नीतीश कुमार जी के लिए बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है, क्योंकि 3-4 चीज़ों का उद्घाटन और बाकी चीज़ों का शिलान्यास आज वो करने वाले हैं। वहीं बिहार सरकार बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आज यह इम्पोर्टेंट डिसीजन लेगी कि कोरोना संकट के इस दौर में स्कूलों को खोलना कितना सुरक्षित है। आप भी बताइए कि स्कूलों को खोलना कितना सुरक्षित है, क्योंकि बच्चे भी तो बच्चे हैं, तो वो भी तो हैं, तो उनकी सुरक्षा भी तो देखनी है। आपके हिसाब से क्या लगता है, स्कूल्स खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? हालांकि कल से डाउट क्लासेस के लिए स्कूल्स खुले हैं, कुछ बच्चे जा भी रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं भी जा रहे हैं और पूरी तरह से अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, तो इसका डिसीजन आज होना है। यह देखना होगा कि स्कूल्स के लिए क्या क्या डिसीजन आते हैं और इसमें दो साइड्स हैं, एक ये कि स्कूल जो जिनके स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल्स वो लोग काफ़ी घाटे में चल रहे हैं, वो भी देखना है, और दूसरी ओर यह भी देखना है कि बच्चों की सुरक्षा कैसी है। जहाँ तक अभिभावकों की बात है तो वो नहीं चाहते हैं कि स्कूल्स खुले, क्योंकि उनके बच्चे बहुत प्यारे हैं ऑब्वियसली, और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही चाहते हैं वो कि स्कूल्स कंटिन्यू रहें, तो इसका डिसीजन आज हो ही जाएगा। और वहीं आज से पार्टी दफ्तर में लोगों से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार, मतलब पार्टी दफ्तर में आम लोगों से आज से वो मुलाकात करेंगे कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए। बहुत दिनों से ये सारे कार्यक्रम स्थगित थे, लेकिन आज से नीतीश कुमार आम लोगों से अपने पार्टी दफ्तर में मुलाकात करेंगे। वहीं आज से माँ मुंडेश्वरी का दर्शन आप कर सकेंगे। भभुआ स्थित अति प्राचीन माता मुंडेश्वरी का मंदिर जो है वो आज से खोल दिया जाएगा, यानी कि आज से आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। बहुत दिनों से बहुत सारे मंदिर बंद पड़े थे और अब ये धीरे धीरे कर चुकी अनलॉक प्रक्रिया जो है वो बढ़ते ही जा रही है, और 21 सितंबर के बाद बोला गया था कि बहुत सारी चीज़ें खुल जाएगी, उनमें से यह भी शामिल है। आपको हम कल फिर मिलेंगे
बिहार के आज कार्यक्रम में, इसी जगह इसी वक्त। तब तक के लिए आप अपना खासा ध्यान रखें, आपसे फिर से कल मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लाइव से जुड़ने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल एचएस बिहार को आप सब्सक्राइब कर ले, जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक के हमारे पेज को लाइक शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।